जैन कहाँ था? तुम्हारे पास तो ड्यूटी लगाए हैं। देखो मेरे पीछे ड्यूटी लगाए कि पीछे पीछे आ रहा है। हाँ वह बात, एक बात बता। हाँ तो इस समय मेरी बहुत बुराई किया करता है। बुराई वाला काम है करत। ये बताओ हमारा तनख्वाह का दर रुकी पड़ी है। तेरी तनख्वाह रुकी पड़ी तो मैं क्या करूँ? हमारे घर में खर्चा तमाम तो है। खर्चा कोई बहाना लेकर क्या हो? या तो हमारे मेरे वहाँ चिट्ठी पठाई से। तेरी बीवी ने चिट्ठी भेजा है? हाँ क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है स्वामी जी प्राण पज्जी 4 साल अगर ड्यूटी पर चले गए वापस नहीं आए और मैं यहाँ 4 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, 5वां बच्चा होने वाला है, कृपा करके कुछ खर्चा वगैरह भिजवाने की कोशिश करें। तो बेवकूफ है पागल है रे, 4 साल से तो ड्यूटी पर है। गौने दूसरे दिन तुम चले आना। गौने के सुबह ही चलाया था तब से घर नहीं गया। जब तू घर नहीं गया तो तेरी बीबी को बच्चे कैसे हुए? हम नहीं जाते, हमारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। तो क्या चिट्ठी पत्री से बच्चे होते हैं? चिट्ठी पत्री ने कुछ ऊपर वाले मेहरबानी, कुछ हमारे गांव रात मेहरबानी। इमा फर्क है कौन हाथी घूमे गांव गांव जी के हाथी चुपे। तो फर्क नहीं बता रहा, नाम के लिए बढ़ता है। देखो आ रहा है नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार जमादार। चुपे हमारे घर से हाथ नहीं मिलाते समझे? हम तुमका इरादा इरा मालूम दे। कौन सी प्रधानमंत्री की औलाद हो? जब दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। दिल मिले कैसे बीच में साथ पेट और जी जाप कहिए ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? पैदल आए हैं। पैदल आया हूँ? हमारी गाड़ी में कुत्ते घूमते मैं पैदल आऊंगा तुम्हारी गाड़ी में? तब अरे साहब हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लूट गए। और ये तू चुप रहेगा तब तो पूछूंगा। साहब हमारे यहाँ डाका पड़ गया। डाका पड़ गया? जी हाँ। आज ही रात में? जी हाँ। आपको किसी पर शक है? शक नहीं साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। यानी कि आपने मुजरिम को पहचान लिया है? जी हाँ। कौन है? हमारी बस्ती का रहने वाला है जिसका नाम है लाखन सिंह। लाखन सिंह। ठाकुर साहब आप एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए, उसके बाद हम इसकी तहकीकात और इंक्वायरी करेंगे। बहुत अच्छी बात। शुक्ला जी ठाकुर साहब क्या डकैती पड़ गई? डकैती पड़ गई? हाँ। अब पर? अभी नहीं आज रात में। तो इनकी एक रिपोर्ट दर्ज करो। क्यों रे अंधा दिखा नहीं पड़ता? कहा तुम्हारे बाप का थाना है? कहा थाना तो हमारे बाप का नहीं, तो पैर भी तो तुम्हारे बाप का नहीं है। सिलो बोलो सिलो, ऊंचे सुनने की आदत नहीं है। ये क्या है? थूक लगाने की आदत है। लिखो हमारे पास वक्त नहीं है। चिल्लात काहे का बहिरन का? सबसे पहले अपना नाम बताइए। जमींदार सागर सिंह। जमींदार सागर सिंह। बाप का नाम? श्री प्रताप सिंह। श्री प्रताप सिंह। मेरे बाप पागल है? श्री प्रताप सिंह लिखो। श्री प्रताप सिंह। माता का नाम? माता का रहने दीजिए। कौन कौन सा सामान गया है? 2 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना। ओ फो, पूरी सराफत दुकानें खोले पड़े। और बोलिए। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए नगद? तुम्हारे करी में बैंक वगैरह नहीं, उसमें डाल देते। 2-2 लाख रुपए घर में रखते हो? इतने रुपए प्रतिदिन खैरात में बांट देते हैं। वारे खैरात द्वारे तो सारन की चाह नहीं करी, खैरात बहुत बांटा। और बोलिए। 1 विदेशी डायना। 1 विदेशी डायना। कारतूस की बेल्ट। कारतूस की बेल्ट। 200 ग्राम का हीरो का हार। विशाल खाने वाला हीरो का हार। हीरो का हार। और बस इतना ही सामान गया? जी हाँ। और आपने किसको पहचाना है? लाखन सिंह को। लाखन सिंह। बाप का नाम? स्वर्गीय राम सिंह। स्वर्गीय राम सिंह। अरे यार मर चुका है, स्वर्गीय राम सिंह लिखो। स्वर्गीय राम सिंह। ये बताओ केस लगभग कितने बजे का है? ये केस रात्रि 12 बजे। 12 बजे डकैती पड़ रही है। आप कहाँ थे? हम सो रहे थे। सो रहे थे? जब सो रहे थे कैसे उसको पहचान लिया? पुलिस को बेवकूफ बनाने आए हो? अंदर करवा देंगे, जमानत नहीं होगी, नालायक डीडीएस कहीं के। बोलिए। बहुत स्मार्ट हो। और क्या लिखो? हाँ जिस वक्त लाखन सिंह हमारी हवेली पे डाका डालने के लिए आया, उस वक्त तो हम सो ही रहे थे। हाँ उसने हमारी हवेली में लूटपाट की तो हमारे नौकर लोग जाग गए, तो उसने उनको डराने के लिए फायर भी की।
जवाब में हमारे नौकरों ने फायर की और इसके गवाह बस्ती वाले जाकर के पता कर लेना। ठीक है। फायरों की आवाज सुनकर हमारी नींद खुल गई तो हमने भागते हुए लाखन सिंह को देखा। हमने सिर्फ लाखन सिंह को पहचाना, अन्य किसी को नहीं। ठीक, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो गई। 10 रुपए रिपोर्ट की लिखाई बढ़ाई। 10 रुपए 10 रुपए का। ठाकुर साहब, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब आप जाइए और हम इसकी तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द करें। आज की तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। चार छह महीने में? अरे ठाकुर साहब, ये पागल है। आप इसकी बात पे ध्यान क्यों देते हैं? ये पागल है तो मैं इससे बड़ा पागल हूँ। तो पागल पागल को पाला पड़ी जाए अब। अरे भी इंसान हूँ, देखेंगे किसी दिन। चलते हैं साहब। अरे पागल है क्या रे? है? तेरी और उसकी कोई दुश्मनी है क्या? इनका न जाने कई दिन थोरथिया चौराहे जुतिया नहीं हुआ। थोरथिया चौराहे पर? ये थोरथिया चौराहे पे नहीं रहता है, किशनगढ़ का जमींदार है, सागर सिंह नाम इसका। अच्छा, मुखादिन का जो बिन मारियन है। मारा था? हाँ। किसी दिन तू भी मार खा जाएगा। यह बात तो सही है। क्या सही है? कुछ नहीं। चुप है। सुन, हाँ, यार से चलते सीधे लाखन सिंह के घर और उसके घर की तलाशी लेते हैं। अगर सामान बरामद होता तो साले को अरेस्ट करके लाते हैं। आओ हमारे साथ। रुको, रात दिन इधर उधर दौड़ा रहा तो हम 10 रुपए जुगाड़ नहीं लाके दिए थे। खर्चा तो हमारे समझन नहीं, परेशानी तो हमारे समझन नहीं। हमको लगता है तुझे पैसे की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत साहब, तुम्हारे लिए थोड़े बहुत दे दो, खर्चा निपट जाए। मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि अभी मेरा वेतन नहीं मिला। यू वेतन का आया? तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ, ये भी कहा तो समझ में आओ। तुम्हारे लगे तो ही शुक्ला जी, अभी महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। साहब, तनख्वाह महीना कब आवत है? तनख्वाह में महीना? अबे महीने में तनख्वाह आती है साहब। एक जुगाड़ रहा चले तो 600-700 का काम हो जात, खर्चा बा निपट जात, परेशानी दूर हो जात। 600-700 के जुगाड़ थी? हाँ, तुरंत मिल गई मेरे चलने से। हाँ, कोई उल्टा सीधा काम होगा? उल्टा सीधा नहीं, थोड़ा मेहनत करे परी। यानी काम मेहनत का है, मेरे चलने से तुझे रुपए मिल जाएंगे। हाँ चल ठीक है, अगर तुझे रुपए मिलेंगे तो मैं चलूंगा। तुम तो चल पे करो काम साहब। यार आज अमानीगंज चौराहा लगे दी भैंसी, इसी घंटा में खत्म हो गई भैंसे। हाँ चलो, 3 दिन निकोल ले, 600 रुपया चमड़ा बिकाई। चुप, फोर कहीं का। मैं तुझे भैंसों का चमड़ा निकोलने वाला दिख रहा हूँ? हम सोच रहे कहूँ कहा ना जाए, काम हो जाए। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। चलिए सूरज अकेलवा, जिनकी तरफ से 20 रुपए के पुरस्कार, और आप सुरेश मछली वाले धर्मगंज बाजार, जिनकी तरफ से 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार आया। धन्यवाद। मेरा बेटा लाखन सागर सिंह के पास रिश्ता मांगने गया था, न जाने रिश्ता मंजूर हुआ या नहीं। बेटा, माँ, ठाकुर साहब ने रिश्ता मंजूर किया नहीं बेटा। ठाकुर साहब ने रिश्ता इनकार कर दिया। लेकिन बेटा देखो दरवाजे पे आवाज कौन दे रहा? मैं देखता हूँ। इतनी देर से दरवाजे पर आवाज दे रहे, सुनाई नहीं पड़ता है? साहब, हम आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहा था। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लाखन सिंह है साहब। लाखन सिंह। बाप का नाम? राम सिंह। राम सिंह, ये बढ़िया कौन है? ये मेरी माँ है। तेरी माँ? ये लड़की कौन है? वो मेरी बहन है साहब। तेरी बहन? लाखन सिंह साहब, तेरी बहन की उम्र तो शादी योग्य हो गई। शादी किया इसकी? अभी नहीं साहब। अभी नहीं? क्यों साहब? इसी शादी के लिए हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। पैसों का इंतजाम? क्योंकि शादी में बहुत सारे पैसे लगते हैं जी साहब। धंधा कौन सा करता है?
धंधा तो साहब मेहनत और मजदूरी करता हूँ। मेहनत और मजदूरी, और जरूरत पड़ जाए तो चोरी और डकैती। चोरी और डकैती? हाँ। आप क्या कह रहे हैं साहब? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। रिपोर्ट? हाँ। लेकिन हमने किया क्या साहब? तूने ठाकुर सागर सिंह का डकैती डाला है? नहीं साहब, नहीं। ये झूठ है साहब। झूठ है? हमने उनके यहाँ कोई डकैती नहीं डाला। अभी पता चल जाएगा झूठ है सच है। शुक्ला जी जरा इसके घर की तलाशी लो। बैग इसके घर मौजूद मिली। ये बैग इसके घर में था जी। रखो इसे। लाखन सिंह देखिए बैग तेरा है। ये बैग हमारा नहीं है साहब। तेरा नहीं है? जी हाँ। शुक्ला कहां से लेकर आया? इसी के घर में था। अरे छोटे साहब 10 साल कान में चिल्ला रहा हूं ऊपर था। देखिए साहब हम सब कह रहे हैं ये बैग मेरा नहीं। लाखन सिंह ये बैग तेरे घर में था, इसलिए इस बैग को खोल दे। इसमें क्या है? खोल। ठाकुर साहब ने लिखा सब इसमें मौजूद है। ठीक कहते हैं शुक्ला जी। साहब देखिए सारा का सारा डकैती का सामान बरामद हो और उसके बाद साला कह रहा कि डकैती हमने नहीं डाला। यही साहब हम सब कह रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि बैग और ये सामान हमारे घर में आया कैसे। ये बैग और ये सामान तेरे घर में आया कैसे ये मैं बताऊं? नहीं साहब देखिए लाखन सिंह तू झूठ बोल कर नहीं बच सकता है, क्योंकि मेरे पास तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। ये रहा तेरी गिरफ्तारी का वारंट, आंख खोल कर पढ़ ले से। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। देखिए साहब हम तो कह रहे साहब कि हमने कोई डकैती नहीं डाला। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पर। लाखन सिंह तो बचेगा नहीं। के हुआ है तेरे नाम ये वारंट तेरे नाम ये वारंट जारी। तू चल जेल चलने की कर दे का आदेश पाया। और इसी से मैं लाखन तेरे पास साहब मेरे बेटे ने कोई डकैती नहीं डाली साहब। ऐसे नहीं तो सुना।
नहीं तुम सुनाओ नहीं मेरे बेटे बेहतर चलाओ अरे बुढ़िया मुझको न चकमा बताओ न आंसू बहा कर मुझे ना डकैती डालकर बहन के शादी करेगा घर के खर्च चलाएगा। शुक्ला जी साहब मेरे बेटे ने कोई डकैती नहीं डाली साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कमीनी बुढ़िया, बेटे को मेहनत मजदूरी करना नहीं सिखाया और सिखा दिया डकैती डालना। डकैती डालकर बहन की शादी करेगा? नहीं साहब, ये सब झूठ है साहब। अच्छा, कोई झूठ है? हाँ साहब। सुन, जितनी जल्दी हो सके इसकी साले की जमानत का इंतजाम करके थाने आ जाना, नहीं तो इसकी साले की एक एक हड्डी तोड़ के रख दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना साहब, मेरे बेटे को मत मारना साहब। शुक्ला जी, कुछ मत करना साहब। बहन पागलों की बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकर आज साले को बेटा माँ, हमने कोई डकैती नहीं डाला है माँ, कोई डकैती नहीं डाला है, मुझे बचा ले माँ, हम तुमसे जुदा होकर कैसे जी पाएंगे, मर जाएंगे रो रो कर तुम्हारी याद में माँ, हम मर जाएंगे। ऐसा मत बोल मेरे बेटे, मैं कुछ भी करके तुझे छुड़ाऊंगी। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो, मर जाएंगे रो रो।
पुलिस पकड़ कर ले गई। आज तेरी वजह से, आज तेरी वजह से मेरा बेटा जेल चला गया। रानी, आज चाहे घर में मेरा बेटा नहीं रहा, तू भी निकल जा रानी, निकल जा घर से। माँ, तुम क्या कर रही हो माँ? अरे मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी कुएं तालाब में डूब के मर जा रानी। माँ, लेकिन इस घर से निकल जा। माँ, आज से घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए रानी। मत निकाल भगवान। वाह, अरे तू किस जन्म की सजा मुझे दे रहा है? किस जन्म की? पहले तो मेरे पति को मुझसे छीन लिया और आज आज मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरा बेटा जेल चला गया। आखिर कैसे कैसे छुड़ाऊंगी अपने बेटे को? कैसे भगवान? मेरे राजा, मेरे लाड़, तुझको ढूंढ